कुछ अपने विषय में बताइए हम लोगों को विजय जी सर मेरा नाम विजय सिंह गुजर है मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं राज, राजकीय संस्कृत कॉलेज चिराना से की है और 2010 से 2012 तक मैंने दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर काम किया है उसके बाद एक साल मैंने सेंट्रल एक्साइज में केरल काम किया है त्रिवेंद्रम और अभी 2014 से मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा हूँ दिल्ली में ही और अभी आई खान मार्केट पोस्टेड में अच्छा अच्छा आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है काफ़ी मेहनत की है आपने एक कांस्टेबल से आपने शुरू की है अपनी ज़िंदगी और आप एक अच्छे पोस्ट पर हैं सिविल सर्विसेज के लिए किसने प्रेरित किया आपको आ, सर जब मैं आई में पोस्टेड था तो वहाँ देखा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं वो आई होते हैं और एक ही आई होते हैं उनके पास और कोई असिस्टेंट वग़ैरह भी नहीं होता है जैसे मैं पोस्टेड था कमिश्नर सर के साथ तो मुझे डिपार्टमेंट का कुछ नॉलेज भी नहीं था लेकिन दूसरी तरफ जो सी आते हैं उनके साथ में पूरी टीम होती है तो वो देख के मुझे अच्छा लगा सिविल सर्विस का उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी अगर आप सिविल सर्वेंट बन बन जाते हैं तो समाज को क्या देना चाहेंगे आप सर जितना मैंने सीखा है जितना मैं सीखूँगा और जो भी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर होंगी वो मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा अच्छा आपने विषय क्या चयन किया था सिविल सर्विसेज में संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य जी सर आपने बेसिक डिग्री संस्कृत साहित्य से जी की? सर मैंने शास्त्री किया है संस्कृत से शास्त्री किया जी संस्कृत से तो संस्कृत का रिलीवेंस क्या होगा आपके सिविल सर्विस सर्वेंट बनने के बाद कैसे उपयोग करेंगे आप संस्कृत के ज्ञान को सर संस्कृत की एक तो अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी है संस्कृत की किसी भी जैसे मैंने केरल में काम किया वहाँ भी लोगों को अच्छा लगता था कि मैंने शास्त्री किया है तो ये जब जहाँ भी मैं प्रशासन में काम करूँगा ये मेरे लिए एक सकारात्मक पहलू रहेगा एक सर संस्कृत जो है वो कंसाइज करना सिखाती है हमें चीज़ों को प्रशासन में जब भी मुझे सीनियर्स को रिपोर्ट करना है या कहीं से कुछ कुछ भी इंफॉमेशन देनी है तो कंसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है तो इस तरह से काम आ सकती है बाकी सर संस्कृत का बहुत सारा जो इतिहास है संस्कृत में बहुत सारा साहित्य रहा है वो हर पहलू से रिलेटेड है चाहे वर्थ शास्त्र है राजनीति शास्त्र है हमारे व्यवहारिक जीवन से दर्शन से रिलेटेड है तो सर जीवन में वो भी काम आता रहेगा लेकिन संस्कृत तो प्रायः कहा जाता है कि एक मृत लैंग्वेज है ये इट्स अ डेड लैंग्वेज संस्कृत का ज्ञान अगर संस्कृत में आप बोलें संस्कृत में लिखें तो शायद आपके देशवासियों को किसी बहुतों को नहीं समझ में आएगी ये बात तो आपको नहीं लगता है कि संस्कृत आज के परिवेश में आज के समाज में संस्कृत अपना रिलिवेंस खो चुका है नहीं सर ऐसा तो नहीं है मृत भाषा तो नहीं कर सकते सर संस्कृत का उपयोग दिन दिन कम होता जा रहा है कई सारे कारण रहे उनके पीछे लेकिन सर रिलीवेंस तो आज भी है अभी भी, भी। सर एवं हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई बार पेटेंट लेने में भी संस्कृत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प की है तो सर रिलिवेंस तो है और कई सारे सर न्यूज़पेपर छप रहे हैं बहुत सारा प्रकाशन है वो संस्कृत में हो रहा है अभी भी, भी। आ, कई सारे सत्रह अठारह विश्वविद्यालय देश में काम कर रहे हैं विश्व संस्कृत सम्मेलन होता है उसमें भारत का काफ़ी अच्छा योगदान है तो सर मृत भाषा तो नहीं है लेकिन बोलने वाले और समझने वाले की संख्या ज़रूर कम हो गई है संस्कृत आप लिख भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं सर मैं लिख लेता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता समझ लेते हैं जी सर मैं एक लाइन संस्कृत में बोलता हूँ जरा हमें समझाइए इसका मतलब क्या है अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ अल्प ज्ञान लव दुर्विधक धंग ब्रह्मापि न न इसका मतलब क्या हुआ आ, सर ये भर्तरी के शतक से शतक का श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो जो आदमी कुछ नहीं जानता वो कोरे कागज़ के समान है उसको हम आसानी से कुछ भी अगर हमें सिखाना हो तो आसानी से सिखा सकते हैं और जो विद्वान है उसको सिखाना और भी आसान होता है क्योंकि किसी संकेत मात्र से वो किसी भी भाषा का जो मूल तत्व है उसको पकड़ लेता है किसी भी वाक्य का लेकिन जो आदमी अपने अल्प ज्ञान का आ, घमंड करके बैठा हुआ है उसको ब्रह्मा भी उस आदमी को प्रसन्न नहीं कर सकता अपनी बात समझाने में ब्रह्मा जी भी सक्षम नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कालिदास के रचनाओं के बारे में बताएं कुछ हमें हाँ सर कालिदास जी की सात रचनाएं अभी अवेलेबल हैं दो उन्होंने महाकाव्य लिखे थे रघुवंशम और कुमार संभवम दो खंड काव्य हैं उनके रितु सहार और मेघदूत और तीन नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्निमित्रम और विक्रम आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा पढ़ने के बाद Uh, सर मैंने मैकदूत पढ़ा ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगा।, लगा। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने पार्वती के जी के नक्श से सिख तक का वर्णन किया है हाँ uh, सर कुमार संभव में किया है तीसरे सर्ग में तो विद्वान लोग उसको uh, उस हिसाब से पढ़ने के लिए योग्य नहीं मानते हैं बहुत सारे संस्कृत के विद्वान क्योंकि श्रृंगार uh, रस का उन्होंने बहुत ज़्यादा uh, एक तरह से uh, इतना ज़्यादा उपयोग किया है कि मतलब जैसा हम हिंदुत्व में उनको शिव पार्वती को देव देवी देवताओं भगवान के रूप में मानते हैं तो वो थोड़ा सा सर सभ्य रूप में नहीं मानते कई लोग ठीक अच्छा ये आजकल कंप्यूटर का युग है इसमें आप संस्कृत का भविष्य क्या देखते हैं सर कंप्यूटर से रिलेटेड ही आ, 1986 में एक सर आ, आ, एक रिसर्च हुआ था नासा में कि जो संस्कृत है वो कंप्यूटर की जो सी प्लस प्लस जावा जैसी लैंग्वेज है उनकी जगह काफ़ी सपोर्टेबल हो सकती है लेकिन सर उस दिशा में उसके बाद और कुछ ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं और भारत देश जो कि जहाँ पे मूल भाषा है वहाँ पे एवन कोई विश्व स्तरीय संस्कृत का शोध केंद्र भी नहीं है तो अगर भारत इसमें पहल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ इससे आगे रिसर्च नहीं हुआ है अच्छा ये वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत क्या अंतर है दोनों में सर काफ़ी दोनों में अंतर है जैसे कि वैदिक संस्कृत में आ, आ, जो हम जैसे शब्द रूप चलते हैं रामा रामो रामा इनमें कई की जगह पे दो दो शब्द हैं जैसे तृतीया व्यक्ति एक वचन में या बहुवचन में लेकिन लौकिक संस्कृत में ये एक जैसा ही है और संधि के जो रूप संधि वैदिक जो संस्कृत है उसमें संधि अनिवार्य नहीं थी लेकिन लौकिक भाषा में संधि को अनिवार्य कर दिया गया लौकिक संस्कृत में पाणिनि जी ने सारा माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर पूरी व्याकरण को वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत कर दिया कर दिया गया था वैदिक समय में उपलब्ध नहीं था कुछ शब्द हैं जिनके दो दो तीन तीन मीनिंग थे वैदिक समय में अभी हर शब्द का लौकिक संस्कृत में ज़्यादातर शब्दों का एक ही मीनिंग है संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है आपको याद है सर भी याद नहीं रहा जूनागढ़ नाम जानते हैं आप चलिए कोई रूपक क्या है सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है चंपू हाँ चंपू सर उस काव्य को कहते हैं जिसमें गद्दे और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उस काव्य को चंपू काव्य कहते हैं जैसे नल दम्पे दमयंती अंति, दमे चंपू काव्य अच्छा एक चीज और बताइए भारतीय दर्शन कितने हैं नौ हैं नौ है आ, उनको हम दो भाग में कैसे बांटेंगे सर आस्तिक और नास्तिक आस्तिक में बांटते हैं जो वेदों को मानते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको हम नास्तिक कहते हैं सर सांख्य योग न्याय वैशेषिक कौन आपको सबसे अच्छा लगता है ये बताइए छह में जो आस्तिक हैं जो वेदों को मानते हैं सर शंकराचार्य का दर्शन है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है शंकराचार्य का क्या दर्शन है मुझे बस एक एक सेंटेंस में बताइए द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद शुद्ध अद्वैतवाद द्वैत अद्वैतवाद ये मैंने पांच आपके सामने रख दिए जी सर ठीक इनके बारे में एक एक सेंटेंस बता दीजिए सर इनका अर्थ या क्या सर आ, कुछ भी आप इनके बारे में जैसा सर मैंने पढ़ा है आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं तो दो हैं तो द्वैतवाद हैं अद्वैतवाद की ये दोनों अलग अलग नहीं हैं दोनों एक ही हैं तो अद्वैतवाद होगा तो अलग अलग क्यों दिखते हैं सर उनका अलग अलग मानना है कि आत्मा और आत्मा और ब्रह्म है वो अलग अलग हैं और जब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वो एकाकार हो जाते हैं कुछ का मानना है कि नहीं है अलग अलग हैं तो वो रह गया विशिष्ट में कहा है कि एक दृष्टि से तो वो अलग हैं एक दृष्टि से दोनों एक हैं शुद्ध कोई बात नहीं। एक और कस्टम में आप इंस्पेक्टर थे उसको छोड़कर आई में आ गए इससे क्या फर्क पड़ा आपके कैरियर में सर एक्साइज में इंस्पेक्टर से सुपरटेंडेंट बनने में सत्रह से अठारह साल का समय लग रहा था जब मैंने वहाँ पर रिजाइन किया था अभी कैडर स्ट्रक्चरिंग होने वाला है उसके बाद शायद कुछ सुधार हो जाए और सर यहाँ इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर से आई बनने में पाँच से छः साल लगते हैं अच्छा इसलिए आप इधर आ गए आपका जनकपुरी कार्यालय से भी कोई रिपोर्टिंग ऑफिस है क्या खान मार्केट तो अभी आपका वहाँ तो सर ट्रिब्यूनल है इनकम टैक्स अपेली ट्रिब्यूनल है सिर्फ खान मार्केट में तो अच्छा ट्रिब्यूनल अभी आप ट्रिब्यूनल में ही हैं।